हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा का किचन। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का उपमा। उपमा बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें आप अपनी मनपसंद कई सब्जियां डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी सूजी। सूजी आप मोटी या महीन कोई भी ले सकते हैं। तो अब हमें कढ़ाई गर्म कर लेनी है और इसमें सूजी को हम भून लेंगे। सूजी को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमें कलर चेंज होने तक ही भूनना है। तो इधर सूजी को भूनने देंगे और हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हम लेंगे एक शिमला मिर्च, मूंगफली भुनी हुई, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और आलू लेंगे पतले कटे हुए। तो सूजी लगभग भुन गई है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे सरसों के तेल में बनाएं या रिफाइंड ऑयल में बना लें। तो चलिए तड़का लगाते हैं। एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा और करी पत्ता डालेंगे थोड़ा सा। यहीं पर हम ऐड करेंगे कटी हुई लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। इसी वक्त हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे आलू। इसे भी भुनना है हमें अच्छे से ताकि ये पक जाए। आलू को लाल होने तक भुनेंगे। यहाँ पर देखिए आलू लाल हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। अब ऐड कर लेंगे हम टमाटर। टमाटर को गलने तक भुनेंगे। यहीं पर हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को टमाटर के साथ भून लेंगे ताकि हल्दी कच्ची ना लगे। तो सब्जियाँ हमारी पक गई हैं। आप चाहें तो और भी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जियाँ भुन गई हैं, अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सूजी। इसे भी कुछ देर हमें भुनना है, इसे मिक्स करके। इसी समय हम इसमें भुनी हुई मूंगफली भी ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भुनेंगे। आप चाहें तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही बनाना है, प्रोसेस यही रहेगा, बस हल्दी आप ना डालें। यहाँ पर सब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, सूजी भी भुन गई है। तो अब हम एक तरफ पानी गर्म होने को रख देंगे। उपमा में हमेशा गर्म पानी ही यूज़ करें। गर्म पानी डालकर बनाने पर उपमा ज़्यादा अच्छा बनता है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी उतना ऐड करें कि सूजी अच्छे से गल जाए। यहीं पर हम नमक भी ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। अब इसे चलाते हुए कुछ देर पकाएंगे। करीब 10 से 15 मिनट आपको पकाना होगा।
8-10 मिनट बाद आप देखेंगे तो ये गाढ़ा होने लगेगा। उपमा की कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए भुनें। तो अब मैं यहीं पर ऐड कर दूंगी हरी धनिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा नींबू का रस। अब इसे अच्छे से मिला दें। तो लीजिए, गर्मा गर्म उपमा तैयार है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से गर्मा गर्म परोसें। इसे प्याज और शिमला मिर्च के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी उपमा खाने के लिए तैयार है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेसिपी को लाइक करें।